गाइस, आशीष शेफ फ्रॉम नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ओप्पो के A71 का फर्स्ट इम्प्रेशन दो दिन के यूज़ के बाद में। इसके डिटेल रिव्यू पे हम काम कर रहे हैं और वो नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। स्पेक्स की अगर बात करें तो ओप्पो ने इसमें मीडियाटेक का MT6750 चिपसेट यूज़ किया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 1.5 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पर काम करता है। इस फ़ोन में 3GB का रैम है और सिर्फ 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत कम है। जहां तक डिस्प्ले की बात है, आपको मिलता है एक 5.2 इंच का TFT डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 720p है। ये डिस्प्ले साइज़ काफ़ी कन्वीनियंट है काफ़ी लोगों के लिए जिनको एक बहुत बड़े फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। इस रेंज में अब काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं जो 5.9 इंच में हैं और 1080p पे भी आते हैं। हालांकि 720p डिस्प्ले एक ड्रॉबैक है इस फ़ोन के लिए। ओप्पो ने इस फ़ोन में 3000mAh का बैटरी डाला है। कैमरे के डिपार्टमेंट में A71 का जो मेन कैमरा है, मतलब कि रियर कैमरा, वो 13MP का F2.2 शूटर है, जबकि सेल्फी वाला कैमरा यानी कि सामने वाला कैमरा सिर्फ 5MP का है, जो कि F2.4 का है। हालांकि आपको फ्लैश दोनों तरफ मिलता है। इस फोन में दो नैनो सिम कार्ड आप डाल सकते हैं, जो कि VoLTE सपोर्ट करता है, और एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ओप्पो ने खुद का ColorOS 3.1 डाला है, जो कि Android 7.1 पर बेस्ड है। ये तो होगी स्पेसिफिकेशन की बात। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इस फोन में अभी तक क्या पसंद आया और क्या नहीं। डिज़ाइन की बात करें तो फ़ोन का रियर पोजीशन देखने और होल्ड करने दोनों में बहुत अच्छा लगता है। इसका फिनिशिंग जो कि मैट है, उसके बाद भी ये शाइनिंग है और ग्लेज कैरी करता है। हालांकि ओप्पो ने यहाँ एक प्लास्टिक बॉडी बिल्ड किया है, बट ये एक यूनिबॉडी स्टाइल में है, जो कि ओवरऑल लुक अच्छा देता है। अगर फ्रंट की बात करें तो कुछ खास नहीं है। बीएल स्पेस बहुत ज़्यादा है और अगर मार्केट ट्रेंड से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ऑड लगता है। और जो सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि इसका जो हार्डवेयर नेविगेशन की है, उसमें बैकलाइट मिसिंग है, तो अगर आप डार्क में यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसा कि मैंने बताया, ओप्पो ने इसमें अपना कलर वो स्किन डाला है, जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। उसका रीज़न बहुत है। जो प्राइमरी रीज़न है वो है इसकी यूजेबिलिटी। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इसमें जो नोटिफिकेशन आता है, उसको आप स्वाइप करके रिमूव नहीं कर सकते। आपको स्वाइप करके डिलीट का एक बटन दबाना होगा, तब वो वहां से जाता है, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत अनोइंग है। दो दिन के यूज़ करने के बाद इसकी बैटरी अभी तक अच्छी लग रही है और एक दिन मॉडरेट यूजर्स पे आराम से चल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ओप्पो का A71 का फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।